तो यहाँ पर टॉपिक्स है चिप शॉर्टेज एंड यहाँ पर एक माइक्रोचिप मिलती है आईफोन 13 में रिस्ट्रिक्शन देता है और उसके बाद बात करते हैं आईफोन 14 के यूएसबी सी के बारे में। तो सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज की देर है, सब्सक्राइब करो और साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको स्मैश करना मत भूलना फॉर मोर अपडेट। उससे पहले एक अच्छी न्यूज से शुरुआत करते हैं। अब ये जो चीज है वो चालू होती है आईपिक्सिट से, वहां पर वो लोगों ने टेस्ट आउट किया था आईफोन 13 सीरीज के पूरे लाइनअप को और वहां पर साथ में साथ वो लोगों ने एक चीज फाइंड आउट किया, एक वियर्ड सी चीज थी, वहां पर एक माइक्रोचिप था डिस्प्ले के नीचे और वो जो है वो यहाँ पर जो फेस आईडी सेंसर है उसको जो है अनलॉक भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। उसके बाद ये जो सारी चीजें है ना वो सबको पता चली तो बहुत लोगों ने इस चीज के ऊपर बात किया है, स्टेटमेंट दिया है एंड यहाँ पर जो फ्री टू रिपेयर है उसके रिलेटेड हैशटैग चले हैं, कितनी सारी बात हुई। उसके बाद यहाँ पर जो द वर्ज है वहां पर एप्पल जाके बोलता है उनको कि भाई यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट निकालो iOS 15.2 जो है उसमें हम लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की है। आपको पता है, हम सबको पता है, आपका जो आईफोन है वो हर साल अच्छा बिकता है तो आपको इसमें इशू होना ही नहीं चाहिए। ये जो बातें हैं वो सारी कंपनीज पे अप्लाई होती है, ये तो अभी बस एप्पल चालू किया है। अच्छा एग्जांपल है एप्पल का बैटरी इंडिकेटर जो आईफोन में शो करता है, ये जो है वो शायद से iOS 11 12 में आया था। फॉर एग्जांपल चलो मान के चलते हैं यहाँ पर आपके पास एक आईफोन 12 है और उसकी जो बैटरी है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बैटरी हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे यहाँ पर लगता है आपको रिप्लेसमेंट की कराने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप कराने जाओगे तो एप्पल के पास जाओगे, सबसे पहले वहां पर जो कॉस्ट है जो बैटरी की जो है वो सारे चार्जेस पूछोगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको चार्जेस एक्चुअली में अच्छे नहीं लगते हैं, एकदम अनजस्टिफाइड लगते हैं तो आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी में जाओगे, वहां पर भी रिप्लेस कराओगे। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो लग जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, सब स्मूथ चलेगा, बट यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ का परसेंटेज है वो शो नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें होती है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसमें भी एप्पल जो है ये सारे जो इश्यूज है वो लेके आना चाहता था। तो यहाँ पर जो iOS 15.2 आता है वो ये सारी चीजें जो है वो सॉल्व करा है। ये जो फिलहाल में सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं होगी, अगर ये अपडेट आता है, पब्लिक वर्जन आता है तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आईफोन 13 के रिलेटेड, ये जो फोन है वो डिले होता ही जा रहा है। इतने सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं TSMC की तरफ से कि भाई यहाँ पर ये जो है वो प्रोडक्शन में जा ही नहीं पा रहा है, चिप शॉर्टेज हो रही है। उसी के हिसाब से यहाँ पर जो TSMC है वो ये भी स्टेटमेंट देता है फ्यूचर के हिसाब से, अगर ऐसी चीजें चलती रही एप्पल के साथ तो यहाँ पर अभी जो अपकमिंग आईफोन 14 लाइनअप होने वाला है उसमें जो A16 बायोनिक चिपसेट होगा उसमें 4 नैनोमीटर नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं चिपसेट डिले के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर जो डिमांड है वो ज्यादा चल रही है, यहाँ पर जो फोन है वो मिल नहीं रहा है सबको। दिल्ली, मुंबई, मैंने वापी में भी पूछा है, कहीं पर भी इसके जो स्टॉक है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में एंड ऑनलाइन मार्केट में भी ऑल्सो मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, ये जो चिप शॉर्टेज है वो अभी चल रही है तो उसके बाद फ्यूचर में चलेगा कि नहीं। एंड मुझे तो फिलहाल तो आईफोन 13 लेने का मन भी नहीं है और मुझे कोई देखना भी नहीं उस फोन को, बट अगर आपको लेना है तो स्टॉक की कमी अभी भी फिलहाल है, सो प्लीज सोच समझ के ही लो और अगर आपको अभी लेना है एडवांसली में तो आप ले लो। अब यहाँ पर बात करते हैं आईफोन 14 के बारे में। तो यहाँ पर जो आईफोन 14 है उसमें बताया जा रहा है, और वैसे भी ये जो सोर्स है वो रिलायबल नहीं है, जो ट्रस्ट है उस पर नहीं करना चाहिए। ये जो न्यूज है उसको मैं अलग से वीडियो में कवर अप करना चाहता था बट ये जो है वो मेक सेंस इतना नहीं करता है, शॉर्ट वे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट देते हैं, यहाँ पर जो कंपनी है एप्पल जो है वो बहुत ही मुनाफा वाली कंपनी, उसको ये लाइटनिंग पोर्ट से बहुत ही फायदा होता है, कितने मिलियंस ऑफ एक्सेसरीज बनाता है, कवर्स बनाता है और लाइटनिंग पोर्ट के डोंगल्स बनाता है, स्पेशली यहाँ पर जो आईपैड्स के साथ आते हैं ऑक्स केबल आता है, USB-C to लाइटनिंग जैक मिलता है, USB-C to लाइटनिंग, USB-A to लाइटनिंग, लाइटनिंग डोंगल मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है, SD कार्ड का भी मिलता है डोंगल, तो वो सारी जो एक्सेसरीज आती है वो मिलियंस ऑफ सेल्स करती है। ये जो है वो लाइफ टाइम के लिए परचेज नहीं करे हो, ये जो है वो टेम्पररी सोल्यूशन होता है जो सॉल्व होता है, उसके बाद ये जो लाइटनिंग पोर्ट है वो घिस जाता है, फट जाता है, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। एंड ये सीरियसली ये जो वियर्ड चीजें कर रहा है ना एप्पल, मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है। एटलीस्ट यहाँ पर हमें जो केबल्स आती है आईफोन्स में इतने महंगे लेते हैं उसमें हमें ब्रेडेड ऑप्शन दे दो, और ये चीजों के बाद अगर आप ये सोचते हो एप्पल जो है वो USB-C देगा आईफोन में, आईपैड में दे सकता है, वो अलग बात होती है। फोटोग्राफर्स के हिसाब से देखा जाता है, सिनेमेटिक वीडियो बनाना होता है, मतलब शॉर्ट फिल्म बनानी होती है, अगर आपको ऐसी प्रोफेशनली करना होता है तो उसके हिसाब से वो जाना चाहता है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो, आईफोन इससे जाना चाहता है। बट अगर आप आईपैड में देखते हो तो सेम चीजें अप्लाई नहीं होती, और ये जो है वो अलग यूजर्स को अपील करता है क्योंकि ये जो है वो लैपटॉप के हिसाब से रिप्लेसमेंट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, उसके हिसाब से USB-C देना वो मेक सेंस करता है। आईफोन में प्रो बोल के भी ऐसी चीजें नहीं की जा सकती है, अगर जस्ट इन केस देता है USB-C ऐसे मान के चलते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है बेनिफिट के हिसाब से वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एंड्रॉइड यूजर है वो शिफ्ट होता है आईफोन में, तो उसके पास जो USB-C वाला केबल होगा वो आईफोन में भी चलेगा,
ज्यादा कंपेटेबल होगा, जिससे जो केबल है वो आप कम यूज कर पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी है तो उसको भी आप चार्ज कर सकते हो, आईफोन को भी कर सकते हो। जो आईमैक है, जो मैक है, मैकबुक है, आईमैक है, उसमें भी कंपेटेबल होगा। तो सीधी भाषा में बोलूं तो एक तीर से कितने सारे शिकार हो जाते हैं। और ये जो है वो डेटा ट्रांसफरिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीड देता है, तो आपका जो डेटा है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। और अगर आपके पास प्रो आईफोन है, अभी के टाइम का 13 प्रो है मान के चलो, तो यहाँ पर जो प्रो रेस है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी एज कम्पेयरिंग टू लाइटनिंग केबल, 1.5 घंटा लगता है। MKBHD ने बोला था, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर ने ये चीज बोली थी, तो मतलब कुछ सेंस बनता है इस चीज का। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप खुद करके देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा। एंड देखते हैं आईफोन 14 में USB-C आता है कि नहीं, ये फिलहाल मेरे स्टेटमेंट है, शायद से मैं गलत हो सकता हूँ, वो सही हो सकता है, बट यहाँ पर मेरा जो सोर्स है जॉन प्रोजर, सोर्स नहीं है, बहुत ही बड़ा एक लीकर है, वो मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। वो बोलता है आईफोन 14 में USB-C नहीं आ सकता है। वो वीडियो की जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर दिया, तो जाके आप चेकआउट कर लेना, सारी चीजें जो है वो क्लियर अप होने वाली है। सो दैट्स अबाउट इट, यहाँ पर जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको स्मैश करना मत भूलना फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।